हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं गणित की एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि 2019 में होने वाले रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। कल से आपका आरआरबी जेई के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो सबसे पहले ऑल दी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम करके आइएगा। और एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं सभी चैप्टर से। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, और वो सभी क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ में सोल्व कराऊंगा, जिससे आपको एग्जाम तक वो याद रह सके। और ये NTPC ग्रुप डी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो एक छोटा सा काम करिएगा, अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप है उनमें शेयर कर देना, और प्लीज एक वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। यहां पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान है और बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, जो कि उत्तीर्णांक से 20 अंक कम थे। उसी परीक्षा में श्याम ने 35% अंक प्राप्त किए, जो कि उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक थे। तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक क्या है। देखिए यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि परीक्षा में टोटल मार्क्स कितने हैं वो आपको बताने हैं। एक स्टूडेंट फेल हो गया, एक स्टूडेंट पासिंग मार्क्स से कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आ गया, ये क्वेश्चन का पूरा एक पैटर्न है जो इसमें पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जो स्टूडेंट फेल हुआ है उसको पास कर देंगे, जितने भी अंक से वो फेल हुआ है। तो पहले स्टूडेंट को राम को 25% अंक मिले और वो 20 अंकों से फेल हो गया, तो इसका मतलब अगर मैं इस 25% वाले स्टूडेंट को राम को 20 अंक दे दूं तो ये पास हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट को हमने पास कर दिया। दूसरा स्टूडेंट जिसको 35% अंक प्राप्त हुए वो 18 अंक अधिक लेके आया जितने पासिंग मार्क्स होते हैं, तो इसके 18 अंक माइनस कर लेंगे, यानी कि दोनों को हमने पास कर दिया। जो फेल हुआ था उसको भी पास कर दिया, और जिसको पासिंग मार्क्स से कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिले थे उसके हमने वो डिडक्ट कर लिए, माइनस कर लिए, और उसको भी जस्ट पास ही किया। अब हमारी इक्वेशन हो गई तैयार, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 35% में से 25% माइनस करेंगे, इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 10% बचेगा, ये माइनस का है। अगर मैं 20 को इधर लेके आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस दोनों प्लस, यानी कि 38 हो जाएगा प्लस का। तो आपको 10% की वैल्यू पता चल गई। तो 10% की वैल्यू अगर 38 है, तो आपसे पूछा जा रहा है टोटल मार्क्स, पूर्णांक आपसे पूछा जा रहा है कि उस परीक्षा का क्या रहा। तो 10% की वैल्यू अगर 38 मार्क्स हैं तो 100% हो गए क्लास के मार्क्स, तो आपको 100% की वैल्यू बताना है। तो 38 को 10 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 380 इज द राइट आंसर। ठीक है, बस आपको एक चीज याद रखनी है इस क्वेश्चन में, दोनों को पास करना है, जो फेल हुआ उसको भी पास करना है, और जो पासिंग मार्क्स से ज्यादा नंबर लेके आ गया उसको भी पास कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहे तो आप मुझे उसी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के फेसबुक या मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके मुझे भेज देना, मैं आपको दोबारा से सोल्व करके समझा दूंगा। टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, कूल माइंड के साथ में एग्जाम देके आना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में 300 में से 32% अंक अर्जित किए, यानी कि एक विद्यार्थी है जिसने विज्ञान के विषय में 300 नंबर का, उसका विज्ञान का विषय होगा, उसे 32 अंक प्राप्त हुए 300 में से। वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में से कितने अंक अर्जित करे ताकि उसके कुल मिलाकर 40% अंक प्राप्त हो जाए, 40% अंक हो जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। एक स्टूडेंट ने विज्ञान का पेपर दिया जिसमें से 300 में से उसको 32% अंक प्राप्त हुए, तो मैं 300 का अगर 32% निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि इस विद्यार्थी को 300 में से कितने अंक प्राप्त हुए। 300 का 32 निकाला, 96 आ गया 96, यानी कि 300 में से इसको 96 नंबर मिल गए। दूसरा पेपर उसका भाषा का है 200 का नंबर का, बोला जा रहा है कि इस 200 नंबर में से उसको कितने प्रतिशत अंक लाने होंगे अगर ओवरऑल उसके 46 यानी कि 40% बन जाए। दोस्तों आपको पता है टोटल मार्क्स, यानी कि टोटल मार्क्स कितने हो गए, उसके दो पेपर हुए, दो में से एक 300 का था एक 200 का था, यानी कि टोटल 500 अंक का उसका एग्जाम हुआ। 500 में से उसको 96 अंक तो मिल चुके हैं एक पेपर में, दूसरे में उसे कितने लेके आने हैं कि उसकी 40% बन जाए, तो यहाँ पे मैं दूसरे को मान लेता हूँ एक्स, यानी कि उसको एक्स नंबर लेके आने हैं अभी और। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 40% उसका बन जाएगा ओवरऑल। तो यहाँ पे दोस्तों एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 20 से 20 कट जाएगी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 96x प्लस
हो जाएगा और 230 हो जाएगा ये जब मैं 5 की मल्टीप्लाई 46 में करूँगा। तो यहाँ पे आपका जब 230 में से 96 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू बचेगी 134, यानी कि उसको 200 में से 134 अंक लेके आने होंगे अगर उसे अपनी ओवरऑल 40% बनानी है परसेंटेज, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा कि कितने अंक लेके आने हैं, बोला गया कि कितना प्रतिशत अर्जित करना होगा। अगर अंक पूछा जाता है तो आपका 134 राइट आंसर हो जाएगा, अगर परसेंटेज पूछी जाती है तो आपको पता चल गया कि 200 में से इसको 134 अंक प्राप्त हुए हैं तो कितना प्रतिशत होगा 134 200 का, तो 134 बटे 200 और गुणा कर लेंगे 100 से, तो 0 से 0 कट जाएगी और ये आपका हो जाएगा 67%, यानी कि 200 नंबर का जो पेपर है उसमें उसे 67% अंक अर्जित करने होंगे अगर उसके ओवरऑल 40% बनानी है। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। दोनों ही क्वेश्चन परसेंटेज के थे, अच्छे क्वेश्चन थे, ऑलरेडी रेलवे एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, और देखिए हाँ, ये मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि अगर आपने अभी रेलवे जेई वालों की मैं बात कर रहा हूँ, एनटीपीसी ग्रुप डी की भी है, अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज परचेज करके प्रैक्टिस नहीं की है तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे वहां पे आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी कि कैसा एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। आरआरबी जेई की, आरआरबी एनटीपीसी और आपका आरआरसी रेलवे ग्रुप डी, इन सभी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप ये कि ये जो प्राइस है 149 रुपीज़, आपको इतने में परचेज नहीं करनी है, ये डिस्काउंट कोड यूज करना है सौरभ SPL और 119 रुपये में आपको ये परचेज कर लेनी है। अगर कोई भी डाउट हो या फिर आपको किसी भी टेस्ट सीरीज का लिंक लेना है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे मैसेज या कॉल करके ले सकते हैं। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, 119 रुपये बड़ी बात नहीं है, आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदमी ने मशीनरी पर 40% खर्च करने के बाद इमारत पर 25%, कच्चे माल पर 15%, फर्नीचर पर 5%, एक छोटे पैमाने पर उद्योग के मालिक के पास 130,500 रुपये का शेष था, यानी कि उसने इतना खर्चा करने के बाद में इतना शेष बचा लिया अमाउंट, ठीक है, उसके पास कुल पैसा रुपए में था, ये आपको बताना है। प्यारे दोस्तों आप एक चीज़ समझिए, उसने जो भी खर्चे किए हैं वो खर्चे एक बार सारे प्लस कर लीजिए, 40% उसने मशीनरी पर खर्च किया है, ठीक है, 25% उसने कच्चे माल पर, 15% उसने इमारत पर, सॉरी 25% इमारत पर, कच्चे माल पर 15%, और उसने 5% फर्नीचर पर, ये सभी को प्लस किया तो ये मिला 85%। उसकी सैलरी, उसकी इनकम जो होगी वो 100% होगी, 100% में से उसने 85% खर्च कर दिया तो उसके पास कितना बच गया, 15% उसके पास अभी बच गया है, ठीक है। अब इस 15% का आपको क्या करना है भाई, ये 15% आपका यही तो होगा, क्योंकि उसके पास जितनी अमाउंट बच गई वो रुपीज में बची है और हमने परसेंटेज में निकाल ली, तो 15% इक्वल हो गया आपका 130,500। अब आपको निकालना है कुल पैसे, कुल पैसे आपके 100% होंगे, तो यहाँ पे आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं इजिली, 130,500 को 15 से भाग कर देंगे और गुणा कर देंगे 100 से, ये चला जाएगा 8,700 बार, और 8,700 की मल्टीप्लाई जब आप 100 में करेंगे तो 8,70,000 उसके पास कुल अमाउंट थी, जिसमें से उसने ये खर्चा करने के बाद में सब कुछ उसके पास 130,500 रुपये बच गए थे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी तो देखिए ये शुरुआत हुई है ये इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस की, अभी आप पूरी वीडियो को देखेंगे ना, बस आज इतना छोटा सा काम करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को मैक्सिमम लाइक करिएगा, आपको आगे आगे पूरी वीडियो अगर देखेंगे बहुत मजा आएगा। देखिए 1-2 घंटा आप कहीं भी वेस्ट कर सकते हैं, बट अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इससे आसान ट्रिक नहीं हो सकती। इसमें बोला जा रहा है शहर में कॉलेजों की संख्या सालाना 5% बढ़ जाती है, यदि यह अब 15,435 है तो 2 साल पहले कॉलेजों की संख्या थी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रेलवे में बहुत बार पूछा जाता है। अब आप एक छोटा सा समझिए, पहले एक बार विजुलाइज करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हमारे पास कॉलेजों की संख्या है 15,435। अगर 2 साल पहले की मैं बात करूँ, यानी कि सबसे पहले मेरे साल ये कुछ कॉलेज होंगे हमारे शहर में, फिर 5% बड़े होंगे, फिर ये हो गए होंगे, फिर 5% बड़े होंगे, तो फिर ये हो गए होंगे। आप मुझे ये बताइए, ये 2 बार बढ़े, तो अगर मेरे पास हमारे शहर में x कॉलेज थे,
ठीक है। और ये अभी कॉलेजों की बात चल रही है, आपके पास की भी कोई सामान हो सकता है जो 5-5% या 10-10% बड़ा होगा, उससे भी आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करेंगे। एक बार समझिए, देखिए जब भी आप किसी चीज़ को कितनी बार भी बढ़ाते हैं, जो फाइनल में वैल्यू रखती है वो होता है आपका, मान लीजिए आंसर, यानी कि यह आपने कैलकुलेट किया है, ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट निकला है। तो ये बढ़ा किस चीज़ को होगा, हम मान लेते हैं हमारे पास कॉलेज थे शहर में एक्स, अब एक्स को हमें 5% बढ़ाना है। जब भी हमें बढ़ाना होता है दोस्तों, एक्स हमारी 100% वैल्यू होगी तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, और 5% बढ़ाना है तो 105 से गुणा कर देंगे। तो आपको यही प्रोसेस दो बार रिपीट करना है, क्योंकि 5-5% बढ़ेगा, तो गुणा करेंगे 105/100 गुणा 105/100, और ये आपका 15,435 हो जाएगा। ठीक है भाई, जब मैं x को दो बार बढ़ाऊंगा तो 105/100 दो बार बढ़ाया और ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 5 से कट करेंगे 21 टाइम, 5 से कट करेंगे 20 टाइम, ये भी 21 टाइम और ये भी 20 टाइम चला जाएगा। ठीक है, अब 21 से ये जाएगा 735 बार और 21 से 21 से जाएगा ये 35 बार। अब ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं बचा दोस्तों, यहाँ पे x बच गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 × 20 × 35, इसको हम गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 14,000। यानी कि 2 साल पहले हमारे जो शहर में 14,000 कॉलेज थे, वो अब बढ़ के 2 साल बाद में 15,435 हो गए। ठीक है, इसके और भी तरीके हो सकते हैं, बट सबसे आसान है, क्योंकि हमने माना हमारे पास एक्स कॉलेज थे या हमारे शहर में एक्स कॉलेज थे, हमें वो दो बार बढ़ाने हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 बार बढ़ाए जाते तो मल्टीप्लाई एक बार और 105/100 कर देते। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे अलग अलग परसेंटेज बढ़ती, मान लीजिए पहले साल में 5% बढ़ता, दूसरे साल में 10%, तो पहले साल में आप 105/100 करते, दूसरे साल में 110/100 करते। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, चलिए अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ, बस आप मुझे रेस्पॉन्स दे दीजिएगा इस वीडियो का, ताकि मैं एक दो वीडियो और ऐसे ऐसे आपको बना के दे सकूं। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 वस्तु 8 रुपए में खरीदे गए और 10 में 8 बेचे गए, फिर लाभ प्रतिशत है। दोस्तों ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का सबसे आसान ट्रिक आपको टॉपिक स्टडी चैनल पे मिल जाएगा पहले भी, बट मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। देखिए जब भी आपको बोला जाए कि यहां पे 10 वस्तु 8 रुपए में खरीदी गई, तो आप एक साइड में लिख लीजिए क्वांटिटी और एक साइड में लिख लीजिए रुपीस। तो 10 वस्तु है 8 रुपए में खरीदी गई, उसके सामने लिख लीजिए। उसके बाद 10 रुपए में 8 बेची गई, तो आप रुपीस वाली में 8 लिखिए और क्वांटिटी वाले में 8 लिख दीजिए, सॉरी ये 10 रुपए में 8 बेची गई तो ये आप लिख लीजिए। इसके बाद कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है बस। देखिए इसकी इसमें करेंगे तो 100 हो जाएगा, इसकी इसमें करेंगे तो 64। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, अगर रुपीज़ वाली पैसे वाली चीज़ अमाउंट बड़ी आ गई तो ये कहलाता है प्रॉफिट, अगर आपकी क्वांटिटी वाली साइड बड़ी आ जाए तो ये कहलाता है लॉस। अभी कौन सी साइड बड़ी है, रुपीज़ वाली, तो दोस्तों कितने से बड़ी है, प्रॉफिट हमारा हो गया 36 से। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ जाती है कि नीचे क्या लिखें, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट होता है चाहे लॉस होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकलता है। अब इसमें कौन सा पता करें कि 64 कॉस्ट प्राइस है या 100 कॉस्ट प्राइस है, आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, जब आपको प्रॉफिट होता है तो आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है या छोटा होता है। देखिए जब आपको प्रॉफिट होता है तो आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, तो इस कंडीशन में आपका जो कॉस्ट प्राइस रहेगा नीचे छोटा आ जाएगा, या फिर आप उस चीज़ को भी छोड़ दीजिए। बस आप ध्यान रखिए प्रॉफिट की कंडीशन में जो भी इनमें से छोटा होगा वो नीचे आएगा, और लॉस की कंडीशन में जो भी इन दोनों में से बड़ा होगा वो नीचे आ जाएगा। लॉस की कंडीशन में बड़ा होगा दोस्तों, ध्यान रखना, लॉस की कंडीशन में बड़ा और प्रॉफिट की कंडीशन में नीचे छोटा आएगा। ठीक है, तो 36/64 और गुणा कर लेंगे 100 से, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 56.25% प्रॉफिट आपका आ जाएगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है बेईमान दुकानदार वाला, ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी है। यहाँ पे बोला जा रहा है एक बेईमान दुकानदार अपने सामानों को लागत मूल्य पर बेचने का नाटक करता है, यानी कि नाटक क्या करता है कि भाई मैं 50 रुपये की चीज़ लाता हूँ और 50 की ही बेच देता हूँ, ये वो नाटक करता है, लेकिन झूठे वजन का उपयोग करता है और लाभ 25% करता है, और 1 किलो वजन के लिए वह उपयोग करता होगा, ये आपको बताना है। दोस्तों एक छोटी सी बात सोचने वाली है कि अगर कोई बंदा 50 रुपये की चीज़ खरीद के 50 की बेच रहा है, प्रॉफिट 25% कमा रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा वो 1 किलो के स्थान पे कुछ कम तोलता होगा,
ठीक है, तो 1 किलो के स्थान पे कितना कम तोलता होगा कि 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो अब यहाँ पे समझिए जो सीपी होगी वो गलत हो जाएगी और जो सेलिंग प्राइस है क्योंकि 1000 ग्राम की जगह वो कुछ कम तोलता है। तो आप ये बताइए 1000 ग्राम में ही उसका प्रॉफिट छिपा होगा, 1000 ग्राम में ही उसका प्रॉफिट छिपा हुआ है। तो आप इस 1000 ग्राम में 125 से भाग करें क्योंकि 1000 ग्राम इक्वल टू आपका 125% का हो जाएगा क्योंकि इसमें आपकी कॉस्ट प्राइस भी आ गई और उसका प्रॉफिट भी इसमें ही है। तो आपको 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे आप डिवाइड करिए 125 से, ठीक है, क्योंकि इसी में ही तो प्रॉफिट छिपा है ना। तो 125 से भाग कर देंगे और 100 से गुणा कर दीजिए क्योंकि हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए क्योंकि बिना प्रॉफिट वाली वो वाली वैल्यू चलिए जो एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पे देखिए 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 5 से जाएगा 200 बार, 200 की गुणा 400 में करेंगे दोस्तों 800 ग्राम आ गया, यानी कि वो 1000 ग्राम की जगह केवल 800 ग्राम ही तोलता है और इसी से अपना प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगर कोई भी डाउट रहता है फिर से एक बार बताना चाहूँगा, आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम या कहीं पे भी टेलीग्राम सौरभ मलिक सर्च करके फॉलो कर लीजिए और मेरे को जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड करिए, मैं आपको दोबारा से उसको एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा दूंगा। दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक आदमी अपने टाइपराइटर को 5% नुकसान पर बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 5% लाभ मिलता है, टाइपराइटर का क्रय मूल्य क्या है। आप मुझे एक बात बताइए कि एक टाइपराइटर है, अगर मैं उसको 5% के नुकसान पे बेचता हूं तो मैं उसे कितने परसेंट में बेच पा रहा हूं। अगर मैं उसको 5% पे बेचता हूं दोस्तों तो मैं उसे 95% की वैल्यू पे बेच पा रहा हूं, क्योंकि जब भी लॉस होता है तो उतना ही 100 में से माइनस कर लेते हैं जितना लॉस होता है। फिर बोला जा रहा है अगर मैं उसको 80 रुपये अधिक में बेचता हूँ तो मुझे 5% का प्रॉफिट हो जाता है। तो 5% का प्रॉफिट का मतलब है दोस्तों कि मैं उसे 105 यानी कि 100 से 5 ऊपर बेचता हूँ, तो 105% में बेचता हूँ। देखिए 95 से 105 पे पहुँच गया, 95 से 105 पे पहुँचने का मतलब है 10% का इंक्रीमेंट हो गया, 10% का इंक्रीमेंट किसकी वजह से हुआ, ये 80 रुपये बढ़ाने की वजह से हुआ, तो इसका मतलब भाई 10% की वैल्यू 80 है, 10% की वैल्यू 80 रुपये है। तो पूछा है टाइपराइटर का क्रय मूल्य क्या होगा, हमेशा की तरह आपको पता है कि क्रय मूल्य 100% होता है, अगर 10% की वैल्यू आपको 80 मिल गई तो 100% की तो कोई छोटा बच्चा भी निकाल लेगा, 80 को 10 से भाग करना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 800 रुपये है उसकी क्रय प्राइस उस टाइपराइटर की। दोस्तों आशा करता हूँ कि समझ में तो आपको आ ही गया होगा, तो फटाफट आज वीडियो को लाइक कर दीजिए और सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए लाइक के जितने भी आज तक आपने चैनल पे किए हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीडियो देख रहा है और लाइक नहीं कर रहा है, ठीक है, अपना डाउट बताइए मैं डाउट क्लियर करूंगा, बट प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 625 रुपये में एक वस्तु बेचने के बाद अर्जित लाभ 435 रुपये में बेचने के बाद हुए नुकसान के समान है, वस्तु की लागत कीमत क्या है। प्यारे दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे और भूलोगे भी नहीं कभी, जब आपका किसी वस्तु को बेचने के बाद प्रॉफिट होता है और फिर उसी वस्तु को कम मूल्य पर बेचने पर लॉस होता है और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इक्वल होती है, तो ट्रिक होती है दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया। कैसे, अब देखिए अगर मेरी कोई कॉस्ट प्राइस होगी मान लीजिए एक्स, अब मैं इस एक्स वाली वस्तु को 625 रुपये में बेचता हूँ और मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है वाई, ठीक है, मुझे प्रॉफिट हो गया वाई, वाई परसेंट प्रॉफिट हुआ है, और फिर बोला जा रहा है अगर मैं इसी वस्तु को इस एक्स वस्तु को 435 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे लॉस होता है और उतना ही लॉस होता है जितना परसेंट प्रॉफिट हुआ था, तो वाई परसेंट ही मुझे लॉस होता है। या फिर आप बोल सकते हैं अगर मुझे 10% का प्रॉफिट होता है 625 में बेचने पे तो 10% का ही लॉस होता है 435 में बेचने पर, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जब दोनों परसेंटेज इक्वल हो तो आपको दोनों को प्लस करना है क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज से दोनों कट जाएंगी, आपका जो दोनों का आएगा सम वही आपका 2 से डिवाइड करने के बाद में राइट आंसर आ जाएगा 530 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कभी नहीं भूलेंगे ना इस क्वेश्चन को, एवरेज का ही क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बोला जा रहा है 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% के लाभ से तथा शेष को 40% के लाभ से बेचा गया, यदि सभी वस्तुओं को 25% के लाभ से बेचा गया तो लाभ पहले की तुलना में 100 रुपये कम मिलता है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य था,
एक एक लाइन को मैं समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है आपको। ये बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि 100 वस्तु हैं, 100 वस्तु को आधी आधी डिवाइड कर दिया, आधी वस्तु को तो 20% के प्रॉफिट पे, यानी कि मेरे पास 100 वस्तु हैं और 100 को मैं आधी वस्तु को तो यानी कि 50 को तो 20% के लाभ पे बेचता हूँ और आधी 50 को मैं बेचता हूँ 40% के लाभ पर। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है यदि यदि सभी वस्तुओं को 25% के लाभ पर, यानी कि अलग अलग परसेंटेज के लाभ पे ना बेच के सभी वस्तुओं को 100 की 100 वस्तुओं को मैं 25% के लाभ पर बेच दूँ तो लाभ पहले की तुलना में 100 रुपये कम मिलता है। यानी कि जब आप अलग अलग परसेंटेज प्रॉफिट पे बेचते हैं तो आपको 100 रुपये अधिक मिलता है लाभ, और जब आप 100 यानी कि 25% के प्रॉफिट पे बेचते हैं तो आपका लाभ 100 रुपये से कम हो जाता है। तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अब ये बताइए जब आप इस 50 रुपये की 50 वस्तु को 20% के लाभ पे बेचेंगे, यानी कि आप इसको 60% पे बेच देंगे, ठीक है, क्योंकि आप क्या करेंगे 50 वस्तुओं का 120% निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि 100% होगी तो वस्तु 120 निकालेंगे 60 आ गया, फिर 50 का 40% निकालेंगे यानी कि 140 इंक्रीमेंट, तो 50/100 और इंटू करेंगे 140 से तो ये 70 हो जाएगा, यानी कि टोटल अगर मैं दोनों को बेचता हूँ इन दो अलग अलग परसेंट पे तो मेरी 100% की वैल्यू वाली वस्तु 130% में बिकती है, ठीक है। और जब मैं बेचता हूँ सारी वस्तुओं को 25% के प्रॉफिट पे तो यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाती है, तो जब मैं 25% के प्रॉफिट पे बेचूंगा सारी वस्तुओं को तो मेरी सारी वस्तु 125% की वैल्यू में बिक जाती है। तो इसका मतलब 125% में जब आपकी बिकती है और ये आपकी 130% में बिकती है तो कितना परसेंट कम में बिकी, 5% में, और आपका लॉस कितने, आपका जो प्रॉफिट था वो कितने से कम हुआ था, वो 100 से, तो इस 5% की वैल्यू 100 मिल गई दोस्तों। तो फिर से 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, अगर 5% की वैल्यू 100 है तो 100% की वैल्यू आपकी 2000 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका 100% की वैल्यू 2000 है। तो पूछा गया था एक वस्तु का मूल्य कितना है, प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना है, तो आपकी टोटल वस्तु कितनी है 100 है और टोटल वस्तु का मूल्य कितना है 2000 है, तो 100 से 2000 को डिवाइड करेंगे तो 20 आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि हर एक वस्तु का मूल्य 20 रुपये है। ठीक है भाई, चलिए फिर आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। देखिए दोस्तों पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी देखा गया था अभी जो रेलवे के एग्जाम्स हुए थे 2018 में उनमें, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत ही आसान सा है। मैं चाहता हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन का एक एक दो दो क्वेश्चन करा दूं जो इंपॉर्टेंट है, जो पहले आ चुका है। तो इसमें बोला जा रहा है तीन साझेदारों ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। भाई एक पार्टनरशिप में एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तीन साझेदार, एक लगाता है 3000 रुपये 8 मास के लिए, बी लगाता है 4000 रुपये 9 मास के लिए और सी लगाता है 5000 रुपये 1 वर्ष के लिए, निवेशित किए वर्ष के अंत में कुल 15000 रुपये का लाभ में से प्रत्येक का भाग ज्ञात करिए। दोस्तों एक चीज़ समझिए बस यहाँ पे कि जो जितने पैसे जितने दिन के लिए लगाते हैं उसको उतना ही प्रॉफिट दिया जाता है, जो जितने पैसे जितने दिन के लिए लगाएगा उसको उतना ही प्रॉफिट दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप रेशो बना लीजिए तीनों का, ये इसको 3000 रुपये 8 महीने के लिए लगाए तो इसका मतलब 24 हो गए, इसने रेशो बनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इसने 4000 रुपये 9 महीने के लिए लगाए तो 4000 मल्टीप्लाई 9 कर लेंगे, फिर आप इसने 5000 रुपये 1 वर्ष के लिए लगाए यानी कि 5000 × 12 कर लेंगे, 24000 36000 और 60000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 12 × 24 12×2 36 12×5 60 आपका रेशो बन के आ गया 2:3:5। अब इस रेशो में आपको ये 15000 जो प्रॉफिट हुआ है ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका शेयर 2:1 का है, इसका शेयर 3:1 का है और इसका शेयर 5:1 का है। तो यहाँ पे हम इन 15000 इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो 5 और 3 और 2 5 यानी कि 10, तो 15000 आपका हो गया 10 रेशो के इक्वल, तो एक रेशो की वैल्यू निकाल लेते हैं, 15000 को 10 से भाग करके 1500 आ गया आपका एक रेशो की वैल्यू। अगर एक रेशो की वैल्यू 1500 है तो बी का अगर शेयर निकालना है, सॉरी ए का शेयर अगर निकालना है तो ए का रेशो 2 है दोस्तों, एक रेशो का 1500 है तो ए की वैल्यू आ गई 3000, बी का रेशो 3 है तो बी का शेयर कितना हो जाएगा 1500 × 3 तो ये 4500 हो जाएगा, और सी का शेयर 5 है तो 1500 × 5 7500 ये हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो बता दीजिएगा। दोस्तों एक चक्रवर्ती ब्याज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा रिपीट रहता है रेलवे के एग्जाम में भी और अदर्स एग्जाम में भी। इसमें बोला जा रहा है कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। देखिए 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, मान लीजिए 1 है तो 2 बन जाएगा 4 वर्ष में, ठीक है, ये मैं एक एग्जाम्पल पर समझा आपको।
तो 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, वह धन उसी दर पर कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि अगर 4 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, 4 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो अगले 4 वर्ष में फिर से 2 गुना होगा। तो अगर 2 गुना हुआ है आपका 4 वर्ष में, तो 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4। तो आपका अगले 4 वर्ष में 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा। फिर अगले 4 वर्ष में फिर 2 गुना कर दीजिए, तो 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा। फिर अगले 4 वर्ष में फिर 2 गुना कर दीजिए, 16 हो जाएगा। आपसे ये पूछा गया था कि कितने वर्ष में 16 हो जाएगा, तो 4 चौक 16, 16 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। ध्यान दीजिए, मान लीजिए बोला जाता है कि 4 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, तो आप क्या करते, 4 वर्ष में 3 गुना, फिर अगले 4 वर्ष में 2 गुना फिर हो जाता, सॉरी 3 गुना हो जाता, 3 * 3 = 9 हो जाता, ठीक है, 3 गुना होता है ना। फिर अगले वर्ष में 9 * 3 = 27 हो जाता, इसी तरीके से आपका 3 * 3 = 9 चलता रहता, 9 * 3 = 9, 9 * 3 = 9, 9 * 3 = 27, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से आपको 3 * 3 = 9 करना है। तो ध्यान दीजिएगा, बस आपको इतना देखना है कि 4 वर्ष में अगर 2 गुना हुआ है, अगर 4 वर्ष में 5 गुना बोला जाता तो आपको हर एक स्टेप पे 5 गुना करना था, 3 गुना बोला जाता तो हर एक स्टेप पे 3 गुना करना था, बस इतना ही काम करना है। तो 16 वर्ष में 16 गुना इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका डिफरेंस का। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 रुपये है, वह धन ज्ञात करिए। ट्रिक है आपकी अंतर बराबर पी यानी कि प्रिंसिपल ब्रैकेट आर अपॉन में 100 का स्क्वायर। अब जब भी आपसे ये पूछा जाए कि अंतर बताइए, तो आप इसको अप्लाई कर देंगे 2 साल का, ध्यान दीजिएगा सिर्फ 2 साल का, अभी मैं आपको बताऊंगा 3 साल का भी, ठीक है। तो 2 साल का जब भी आपसे अंतर निकालने के लिए बोला जाएगा, तो अंतर बराबर आपका मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट और जो भी आपका रेट होगा, रेट अपॉन 100 का स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन में क्या है, अंतर तो दे दिया है कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 8 रुपये है, और आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछ लिया गया है, तो ये भी ठीक है भाई, ये भी निकाल सकते हैं हम, क्योंकि हमें फॉर्मूला तो पता है ना। ये ट्रिक अगर आपको पता है तो आपसे अंतर पूछे चाहे प्रिंसिपल अमाउंट पूछे चाहे रेट पूछे, आप सभी चीज़ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अंतर आपने 8 रखा, प्रिंसिपल अमाउंट आपकी कितनी है पता नहीं, इसको ऐसे रख लेंगे। रेट कितना है, 4% का है, तो आप इसको 4% यहाँ पे 4 / 100 रखेंगे और स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए 8 = P, यहाँ पे 4 से कट जाएगा 25 बार, तो 1/25, और 25 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 625, तो यहाँ पे आपका आ गया P/625, और अब जब 625 की 8 में गुणा करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा 5000। तो यही आपका आपसे पूछा गया था और यही आपका राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, ठीक है भाई। मज़ा आ रहा है ना, बोर हो रहे होगे तो थोड़ा सा एक बार वीडियो को पॉज करके रिलैक्स कर लीजिए 1-2 मिनट, और आराम से वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं इस वीडियो में, ठीक है। और हाँ देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए NTPC ग्रुप डी और JEE के लिए भी, क्योंकि JEE का तो अभी एग्जाम ही स्टार्ट चल रहे हैं, तो कोई अगर चाहता है प्रैक्टिस करना या रिवीजन करना पूरा मैथ का, वो भी लाइव मेरे थ्रू, मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा मैथ भी, रीजनिंग भी, GK भी, साइंस भी, करंट अफेयर भी, और वो भी आपको बिल्कुल लाइव, जो भी आप मेरे से पूछना चाहते हैं, 20-25 स्टूडेंट लाइव रहेंगे सिर्फ एक क्लास में, तो आपको जो भी पूछना है वो भी पूछ सकते हैं। वो आपको 800 रुपये पर मंथ में लेना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये व्हाट्सअप नंबर मैं अपना दे देता हूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है डायरेक्ट पढ़ना चाहता है बिल्कुल लाइव, तो आप मेरे से इस व्हाट्सएप नंबर पे परचेज करने के लिए लिंक ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मेरे से जो भी बात करनी है इस कोर्स के रिगार्डिंग वो कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे जाके क्लिक करिए, यहाँ पे आपको गेट सब्सक्रिप्शन आएगा, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिएगा, 800 मंथ वाला सेलेक्ट करिएगा, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट पेज आएगा ये वाला खुल के, फिर आपको यहाँ पे एंटर रेफरल कोड में ये डिस्काउंट कोड अप्लाई कर देना है। डिस्काउंट कोड का फायदा ये होगा कि 800 रुपये की जगह आपको केवल 720 रुपये में मिल जाएगा, 10% की छूट मिल जाएगी। एंटर रेफरल कोड करने के बाद में अप्लाई करिएगा, तो आपको यहाँ पे 800 की जगह 720 लिखा जाएगा, फिर प्रोसीड पेमेंट कर दीजिएगा। कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप यहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सॉरी, प्रिंसिपल अमाउंट 18,000 है, रेट आपका 15% है, टाइम आपका 3 साल है, और डिफरेंस आपको बताना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। अभी तक आपने क्या सीखा, 2 साल का इंटरेस्ट डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंस निकालना। अब की बार मैं सिखाऊंगा 3 साल का डिफरेंस निकालना। तो 3 साल में कुछ नहीं करना है, आधा फॉर्मूला तो आपको वो 2 साल वाला ही, यहाँ तक तो ठीक है, बस इसमें 300 + R / 100 और कर देना है, और उसको याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस है भाई। और अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इसको कर लेंगे, अगर नहीं पता है तो शायद डिफिकल्ट हो जाए ये निकालना, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए अब की बार आपसे डिफरेंस पूछा है, तो प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी है 18,000, रेट दे रखा है 15% अपॉन में 100 कर दिया, ठीक है, 300 प्लस 15 अपॉन में 100 ये कर लिया और इसको ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये आपको सबूत दे रखा 18,000, रेट 15% और 3 ईयर का आपको डिफरेंस। अब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है, 18,000 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 225 और 100 का करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, यहाँ पे 315 ये हो जाएगा और अपॉन में 100। अब इसको सोल्व करते हैं, 0 से 3 0 कट जाएगी, ठीक है, 2 से कट जाएगा 5 बार, 2 से कट जाएगा 9 बार, फिर ये आपका कट जाएगा 5 से 20 बार, ये कट जाएगा 65 बार, ये कट जाएगा आपका 5 चौक 20, 5 से कट जाएगा 45 कट जाएगा 9 बार, ठीक है। अभी आपके पास क्या बच गया, 9 बच गया, इधर 63 बच गया और नीचे 4 बच गया, तो 81 मल्टीप्लाई 63 अपॉन में 4 कर लेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आपका राइट आंसर आ जाएगा 1275.75, यही आपका डिफरेंस आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का इस क्वेश्चन में, ठीक है भाई। अगर समझ में आ गया है बस इसको याद करिए फटाफट जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, ट्रिक कुछ नहीं है, डिफरेंस तो आपको पता है कि सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालना है, तो पी ब्रैकेट आर अपॉन में 100 और ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर, ठीक है, इतना तो आपको पता है कि 2 साल का निकालते हैं, अगर 3 साल भी आ जाए तो 3 साल का तो उसमें 300 प्लस करेंगे प्लस आर अपॉन में 100 कर देंगे, ठीक है भाई। चलिए फिर एक क्वेश्चन है बारी बारी वाला, रेलवे की परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है और इसको कैसे करना है अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क दोनों ही चैप्टर आपके बिल्कुल सिमिलर हैं और दोनों ही चैप्टर का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही करना है, देखिएगा कैसे। दो पाइप है ए और बी, किसी टंकी को क्रम 6 मिनट और 7 मिनट में भरते हैं, तो ए पाइप 6 मिनट में भरता है, बी पाइप 7 मिनट में भरता है, दोनों का अगर एलसीएम ले लूँ तो ये टोटल कैपेसिटी आ जाएगी उस टैंक की जिसको ये दोनों भरते हैं। अगर उस टैंक में टोटल आपका 42 यूनिट पानी आता है तो आप यहाँ पे एक जो मिनट में कितना पानी भरते होंगे, एक मिनट में 7 यूनिट पानी, क्योंकि 42 को आप 6 से भाग कर देंगे। फिर यहाँ पे है आपका 7 मिनट में आपको पूरा टैंक भर देते हैं, तो 42 यूनिट पानी भरते हैं तो 7 से भाग कर देंगे 42 को, तो एक मिनट में 6 यूनिट पानी भरा जाएगा। अगर दोनों मिलकर काम करें तो एक मिनट में 13 यूनिट, यहाँ पे एक मिनट कर लीजिएगा दोस्तों, डे नहीं होगा, ठीक है, तो दोनों मिलकर एक मिनट में 13 यूनिट पानी भर सकते हैं, बट इन्हें एक मिनट में नहीं कराना, इनको काम कराना है। यदि दोनों बाई बारी बारी एक मिनट कार्य करे, पहले ए को खोले, ये भी ध्यान रखिएगा किसको खोलने की बात की जा रही है, पहले ए को खोलते हैं, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो देखिए ए और बी आपका ऐसे खुलेंगे, सबसे पहले ए खुला और बी बंद रहा, फिर अगले मिनट में बी खुल गया, ए बंद हो गया, फिर ए खुल गया, फिर बी खुल गया, ए खुल गया, फिर बी खुल गया, इसी तरीके से जब टैंक को भरेंगे तो कितना समय लगेगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, पहली मिनट में ए खुला, फिर दूसरे मिनट में बी खुला, यानी कि दोनों को मिलाए तो 13 यूनिट पानी को भरने में 2 मिनट लग जाएंगे, 2 मिनट लगेंगे अब 13 यूनिट पानी को भरने में, पहले एक ही मिनट लगती थी, अब जब इसको 13 मिनट पानी को भरने में, 13 यूनिट को पानी को भरने में 2 मिनट लग रहे हैं, तो आपको एक काम करना है, इस 13 यूनिट का एक ऐसा पाड़ा पढ़ना है, एक ऐसा टेबल पढ़ना है जो 42 से कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 13 * 3 = 39, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आ गया 39, अब ये 42 से तो कम है, कितना कम है, 3 कम है, ठीक है भाई, अभी इसको 3 को यहीं पे छोड़ते हैं। आप मुझे बताइए 13 यूनिट पानी कितने मिनट में भरा जा रहा था, 2 मिनट में, तो भाई इस 3 को भी तो 2 गुना कर दीजिए ना, क्योंकि ये तो 2 गुना है, हमें पता है ये 2 मिनट का पानी है, हमें पता है, तो इसको जो आपका आया है 3 × 13, इसको भी डबल करिए तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6 मिनट में आपका 39 यूनिट पानी भरा गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो काम को स्टार्ट करता है वो ही बचे हुए काम को करने आता है, तो बचा हुआ काम कितना बचा रहा है, अभी टैंक भरना 3 यूनिट, तो ये 7 यूनिट पानी भरता है, तो 3 यूनिट पानी को भरने में कितना समय लगेगा, 3/7 कर लेंगे, तो 6 सही 3/7 आपका मिनट लगेंगे इस टैंक को भरने में, अगर ये बारी बारी इस टैंक को भरते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पाइप एंड टंकी से, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा देना पड़ेगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कभी भी नहीं भूलोगे। यहाँ पे बोला जा रहा है और ये बहुत बार आ चुका है भाई, 3 पाइप ए बी सी एक टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं, तो भाई यहाँ पे आ गया ए प्लस बी प्लस सी, 3 पाइप 6 घंटे में भर देते हैं एक टंकी को, ठीक है, तीनों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाता है तथा 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। भाई ए और बी को खोला गया
और यहाँ पे 2 घंटे बाद बंद कर दिया गया सी पाइप को, ठीक है। तो यहाँ पे सी पाइप नहीं खुलेगा इस टाइम पे, ए और बी भरेंगे 7 घंटे में बचे हुए टंकी के पाइप को, यानी टंकी के पानी को जो भरा जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक साथ खुला गया, 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया, टंकी के शेष भाग को ए और बी 7 घंटे में भर देते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी 7 आपने लिख लिया, ठीक है। सी खाली टंकी को कितने समय भरेगा ये आपको बताना है। अब दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान भाई, ए बी सी तीनों मिलकर इसको 6 घंटे में भर देते हैं, ए और बी बचे हुए पानी को 7 घंटे में भरते हैं। ध्यान दीजिए, बचे हुए पानी को, साथ शेष पानी को, ठीक है। दोनों का एलसीएम लिया 42 आ गया, यानी कि टैंक की जो कैपेसिटी है, टंकी की जो कैपेसिटी है वो 42 यूनिट की है, उसमें टोटल 42 यूनिट पानी आ सकता है। 42 यूनिट पानी को ये 6 घंटे में भर देते हैं, 1 घंटे में कितना पानी भरते होंगे, तीनों मिलकर 7 यूनिट पानी भरते होंगे 1 घंटे में। अब अगर ये तीनों मिलकर 1 घंटे में 7 यूनिट पानी भरते हैं, तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि तीनों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाता है तथा 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो तथा 2 घंटे बाद, यानी कि 2 घंटे तक तीनों साथ में चले होंगे, तो 7 यूनिट पानी तीनों मिलकर भरते हैं, तो 2 घंटे में कितना भरा होगा, 14 यूनिट पानी। इस 14 यूनिट पानी को माइनस कर दीजिए 42 में से, बचा कितना, 28। अब इस शेष पानी को, जो बचा हुआ पानी है, इसको ए और बी दोनों मिलकर 7 घंटे में भर देते हैं। अगर ये इसको 7 घंटे भरते हैं तो 1 घंटे में कितना भरते होंगे इस बचे हुए पानी को, तो 7 चौक 28, तो 1 घंटे में ये 4 यूनिट पानी भरते होंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे अब देखिए, तीनों मिलकर 1 घंटे में 7 यूनिट पानी भरते हैं, ए और बी 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरते हैं, तो सी का शेयर कितना आ गया, 3 यूनिट पानी आ गया, 7 में से 4 गए 3। पूछा जा रहा है कि टोटल पानी को भरने में सी कितना समय लेगा, तो 42 को 3 से भाग कर दीजिए, 14 घंटे लेगा भाई, यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जितना रिमेनिंग पानी है ना, सिर्फ उतने से ही ए और बी का वर्क को, जो कि 7 घंटे में कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ए और बी 7 घंटे में शेष पानी को भरते हैं ना, तो केवल शेष पानी को ही डिवाइड करेंगे, तो ये 7 घंटे में शेष पानी को 28 यूनिट पानी को 7 घंटे भरते हैं, तो 1 घंटे में केवल ये 4 यूनिट पानी भर पाते होंगे, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बोला जा रहा है, 3 आदमी ए बी तथा सी किसी काम को 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, वह बी काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिए, ए बी सी 10, 12, 15, तो ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, और सी आपका 15 दिन में वर्क को कंप्लीट करता है। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। अभी यहाँ तक हम कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। तीनों का एलसीएम लीजिए, 10, 12, 15 का एलसीएम कोई भी स्टूडेंट ले सकता है, 60 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 60 आपका एलसीएम आ गया। अब 60 यूनिट क्या है, टोटल वर्क है आपका। इस टोटल वर्क को ये करता है 10 दिन में, तो 1 दिन में कितना करता होगा, 6 यूनिट पानी। ये 60 यूनिट पानी को 12 दिन में, 60 यूनिट वर्क को 12 दिन में करता है, तो 1 दिन में 5 यूनिट वर्क करता होगा बी। 60 यूनिट वर्क को 15 दिन में करता है, तो 1 दिन में 4 यूनिट वर्क करता होगा सी। भाई यहाँ पे हमें पता चला तीनों मिलकर 15 यूनिट वर्क कर लेते हैं 1 दिन में। बोला गया था तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं और ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। अगर ए 3 दिन बाद काम छोड़ रहा है और तीनों ने काम शुरू किया था, तो 3 दिन तक तो काम किया होगा ना। 1 दिन में 15 यूनिट वर्क करते हैं, तो 3 दिन में कितना कर लेंगे, 45 यूनिट वर्क। अब अगर इन्होंने तीनों ने मिलकर 45 यूनिट वर्क कर लिया 3 दिन में, तो दोस्तों इस टोटल वर्क में से 45 को तो माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये तो हो चुका है, बचेगा कितना, 15 यूनिट वर्क, ठीक है। अब हमारे पास ए जा चुका है, बचे बी और सी। इसमें भी एक चीज बताई जा रही है कि बी काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अगर बी काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है कि उस लास्ट दिन में केवल सी कार्य करेगा, और सी 1 दिन में 4 यूनिट को काम करता है, तो उस लास्ट दिन में भी वो 4 ही करेगा, तो 15 में से 4 इसका भी माइनस कर दीजिए, बचा 11 यूनिट पानी। अब इस 11 यूनिट पानी निकल रहा है ना, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम का था। तो 11 यूनिट जो वर्क ये बचा हुआ है, इसको करेगा कौन, बी और सी, क्योंकि जो लास्ट में 1 दिन पहले काम छोड़ देता है बी, वो भी मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि उस 1 दिन में केवल सी कार्य करेगा, वो भी मैंने माइनस कर दिया। तो बचा आपका जो 11 यूनिट पानी, ये तो दोनों ने मिलके ये दोनों ने मिलके ही किया होगा।
तो 11 को 9 से भाग कर दीजिए, एक सही 2/9 दिन आ जाएगा, यानी कि टोटल 3 और एक 4 और एक 5 कंप्लीट 5 कंप्लीट 2/9 डेज में ये वर्क को कंप्लीट करेंगे। यही आपसे दोस्तों पूछा गया था कि कितने समय में ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए समझ में आ जाएगा ना तो मैं आपको बता दिया करें, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता थोड़ी देर और भी किसी भी क्वेश्चन पे। अगर एकदम कंप्लीट हो जाता है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाता हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, अगर देखिए बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक तो करिएगा, अपने दोस्तों को और शेयर कर दीजिएगा। कभी भी किसी का भला करने में या फिर किसी को शेयर करने में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी और को भी इन चीज़ों का पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिविर में 1000 सैनिकों के लिए 54 दिनों के लिए भोजन था, 6 दिन बाद 600 सैनिक और आ गए, शेष भोजन कितने दिन तक और चलेगा ये आपको बताना है। एक शिविर में 1000 सैनिक है भाई, तो इसका मतलब 1000 सैनिकों का 54 दिन का हमारे पास खाना है, 1000 इतना खाना हमारे पास है कि 1000 सैनिक 54 दिन तक खाना खा सकते हैं, बट 6 दिन बाद 600 सैनिक और आ गए, इसका मतलब 1000 सैनिक 6 दिन तक खाना खा चुके होंगे, तो हमारे पास बचा कितना खाना, हमारे पास 54 में से 6 को माइनस कर दीजिए, हमारे पास 1000 सैनिकों का 48 दिन का खाना अभी बचा हुआ है भाई, हमारे पास 1000 सैनिकों का 48 दिनों का खाना और बचा हुआ है अभी हमारे पास, ठीक है, क्योंकि 54 में से 6 दिन तो खा चुके हैं ना सैनिक, तो हमारे पास अभी 1000 सैनिकों का 48 दिनों का खाना बचा हुआ है। अब ये खाना किसको खिलाना है आप खुद बताइए, 1000 सैनिक तो हमारे पास पहले से थे, 600 सैनिक और आ गए, तो कुल 1600 सैनिकों को ये खाना हमें खिलाना है, तो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा ये आप निकाल सकते हैं, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगी, 8 से ये 2 बार कट जाएगा, 8 × 6 = 48, ये 2 से 6 बार चला जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10 × 3 करेंगे तो 30 दिन, यानी कि 30 दिन में ये जो आपका टोटल खाना है ये चल पाएगा अगर 600 सैनिक और आते हैं। बाकी अगर ये 600 सैनिक ना आते तो ये टोटल 48 दिन तक ही चलता है, यानी कि टोटल 54 दिन तक ही में ही ख़त्म होता। अगर 600 सैनिक और आ गए तो केवल 30 दिन ही चलेगा जो आपका रिमेनिंग बचा हुआ था खाना, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी ये फील हो रहा हो कि अभी समझ में आना बंद हो गया या फिर बोरिंग लग रहा है तो थोड़ी सी देर एक बार मोबाइल को रखिए स्विच ऑफ, मतलब मोबाइल को बंद नहीं करना है, मोबाइल वीडियो को पॉज करिए, एक बार पानी पी के आ जाइए या फिर घूम के आ जाइए तो आपको अच्छा सा महसूस होगा, दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। कभी भी किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो कभी भी ऐसा मत सोचिए, क्योंकि मुझे पता है 1 घंटे की वीडियो देखना बहुत बड़ी बात है और उसे समझना भी उससे बड़ी बात है, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन लाने के लिए एक बार घूम के आइए, थोड़ा सा कुछ खा पी लीजिए, क्योंकि एकदम लंबी वीडियो देखने में सारी चीज़ें समझ में नहीं आ पाती, अगर उसको बीच बीच में देखोगे तो समझ में आ जाएगी। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 4/5 चाल से चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है, उसी दूरी को तय करने में उसे कद द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय क्या था ये आपको बताना है। ध्यान दीजिए, इसको मैं करूंगा रेशो मेथड से, रेशो कैसे बनाऊंगा, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 4/5 चाल से चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है, 4/5 चाल पर चलने पर, यानी कि अपनी चाल का चौथा हिस्सा चलता है, पहले वो 5 की चाल से चलता था, अभी वो 4 की चाल से चलता है, इसी की वजह से वो 15 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसकी स्पीड 1 और स्पीड 2 हमें पता चल गई, रेशो में 5 और 4 हो गई। दोस्तों अगर आपको 5 और 4 उनकी स्पीड का रेशो पता चल गया किसी भी आदमी की, तो यहाँ पे उसका टाइम का रेशो भी पता चल जाएगा, क्योंकि जब वो तेज़ी से चलता था तो वो कम समय लेता होगा तो 4 समय लेता होगा रेशो में, और जब वो कम तेज़ी से चलता है तो समय ज़्यादा लेता होगा, तो इसका मतलब जो भी आपका स्पीड का रेशो है वो अपोजिट आपका टाइम का रेशो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम का रेशो 4:5 हो गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब वो देखिए पहले से जितनी भी चाल से चलता होगा जितना भी समय लेता होगा, बट अब वो 15 मिनट ज़्यादा लेने लगा अगर वो अपनी चाल का 4/5 वैसा चलता है, तो इसका मतलब समय में तो केवल दोस्तों 1 का इंक्रीमेंट दिखा, पहले वो 4 समय लेता था रेशो में, अभी वो 5 समय लेता है, यानी कि 1 रेशो अधिक ले रहा है, तो 1 रेशो अधिक लेने का मतलब है दोस्तों कि 1 रेशो की वैल्यू आपको 15 मिनट मिल गई। अगर 1 रेशो की वैल्यू 15 मिनट है, आपसे पूछा जा रहा है कि पहले कितना समय लेता था वो सामान्य समय बताइए, तो पहले वो 5 की चाल से जब चलता था वो 4 समय लेता था, तो 1 रेशो की वैल्यू 15 मिनट है, तो दोस्तों 4 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा आपका ये सही आंसर आ जाएगा, और आपसे यही पूछा गया था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कई बार आ चुका है रेलवे एग्जाम में, ठीक है।
चलिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, ठीक है, वर्ग आप समझते हैं ना, जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती है। तो यहाँ पे एक तांबे के तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। अब इस जो वर्ग कार जो ये बनाया गया है, एक वर्ग आपका तार से मोड़कर, इसका क्षेत्रफल 121 मीटर है। आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर। यानी कि अगर आपको कोई भी भुजा पता है उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 121 किसका स्क्वायर है, 11 का, तो ये आपका जो भुजा है वो 11 आ जाएगी। यानी कि ये भी 11 है, ये भी 11 है, ये भी 11 है, ये भी 11 है। आपको चारों भुजाएं पता चल गई, यानी कि एक भुजा पता गई तो चारों चल गई। अब यहाँ पे आप दोस्तों ये निकालिए कि अगर मुझे इसका परिमाप पता चल जाए, क्योंकि परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। अगर आपको परिमाप पता चल जाए, तो परिमाप पता चलने का मतलब है कि आपको इस जो जितना वो तार है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो परिमाप कैसे निकालते हैं भाई, परिमाप निकालते हैं चारों भुजाओं का योग। यानी कि आपको एक भुजा पता चल गई तो 11, तो उसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस वर्ग का जो आपका परिमाप है वो 44 है। अब क्या बोला जा रहा है, परिमाप भी हमें पता चल गया, क्षेत्रफल हमें पता था। बोला जा रहा है यदि इस तार को मोड़कर एक वर्त यानी कि सर्कल बनाया जाता है तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत आसान है दोस्तों, देखिए अगर इसका परिमाप 44 है, तो अगर एक गोला बनाया जा रहा है, एक सर्कल बनाया जाए, तो उसका भी परिमाप 44 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। अगर इसका परिमाप 44 सेंटीमीटर है, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr बराबर हो जाएगा 44, 2πr होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 और मल्टीप्लाई r आपको निकालना है, क्योंकि रेडियस अगर आपको पता चलेगी तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम r निकाल लेंगे, तो देखिए 22 गुणा 2 करेंगे तो 44, तो 44 से 44 कट जाएगा, तो रेडियस आपकी 7 आ गई। अगर आपको रेडियस 7 मिल गई दोस्तों, तो हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर का स्क्वायर करना है, तो आप 7 गुणा 7 कर लेंगे, तो एक यहाँ पे क्या बन गया ये, इसको सोल्व करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणा 7 करेंगे तो 154 सेंटीमीटर। यानी कि इस जो सर्कल है इसका क्षेत्रफल आ गया 154 सेंटीमीटर, ठीक है। प्यारे दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है, और इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली कर लेंगे, बहुत ही ईजी होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेलगाड़ी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन से मैं आपको रेलगाड़ी के बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा, और आपको समझ में भी आएगी और आपको याद भी रहेगी। देखिए कैसे, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करिए। जब भी रेलगाड़ी किसी ऐसी चीज़ को पार करती है जिसकी लंबाई होती है, जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, पुल हो गया, ठीक है, दूसरी ट्रेन हो गई खड़ी हुई, जब भी ऐसी चीज़ को पार करके जाएगी ट्रेन, तो उस दोनों चीज़ की लंबाई प्लस कर लेते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई, दोनों की लंबाई को प्लस करके। अगर दूसरे जो जिसको पार करती है उसकी कोई चाल नहीं है, तो सिर्फ रेलगाड़ी की चाल से भाग कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको समय दे दिया गया, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर रेलगाड़ी की लंबाई या फिर कोई भी आपको मीटर में दिया हुआ है, पूरे क्वेश्चन में कोई भी मीटर और सेकंड में चीज़ें दी हुई हैं, तो आपको चाल को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा दोस्तों। अगर आपका जो लंबाई है वो किलोमीटर में हो, तो आपको अगर चाल मीटर पर सेकंड में दे रखी हो, तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, किलोमीटर पर आर में दे रखी है आपको चाल, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 90 × 5/18 कर लेंगे भाई। देखिए जब भी आप किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, तो 5/18 की मल्टीप्लाई करते हैं, और जब भी आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में करते हैं, तो 18/5 कर लेते हैं, ठीक है, बस इतना डिफरेंस होता है। तो अभी ये ट्रेन इस पुल को पार करेगी जो कि 100 मीटर का है, तो देखिए यहाँ पे कितनी आ गई थी भाई, ये 25 मीटर पर सेकंड आ गई थी, सोल्व कर लीजिएगा, 18 से 90 कटेगा 5 बार, 5 की 5 में करेंगे तो 25 मीटर पर सेकंड। अब जब भी ये इसको पार करके जाएगी तो 10 सेकंड लेती है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो आपका जो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई रेलगाड़ी की चाल से भाग कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, समय तो आपको दे दिया 10 सेकंड, रेलगाड़ी की लंबाई आपको निकालनी है तो x मान लेते हैं, पुल की लंबाई 100 मीटर है इसको रख लिया, चाल कितनी है 25 मीटर पर सेकंड, ये आपको डिवाइड कर दिया। यहाँ से आप इसको सोल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x प्लस 100 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 225 की मल्टीप्लाई 10 में तो 250। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 इसमें से माइनस होएगा तो 150, यानी कि x था हमारे रेल की चाल आपकी हो गई 150 मीटर, ठीक है दोस्तों।
तो यहाँ पे ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर रेलगाड़ी किसी भी ऐसी चीज़ को पार करती है जैसे खंबा जिसकी कुछ लंबाई नहीं हो सकती है, हाइट हो सकती है बस लंबाई नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल लंबाई को रेलगाड़ी की चाल से भाग कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। रेलगाड़ी की लंबाई को रेलगाड़ी की चाल से भाग कर दीजिए, बस इतना ही काम करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपये में एक चाय का सेट बेचा जो लागत कीमत से 43% कम था, इस पर 10% लाभ प्राप्त हेतु विक्रेता को सेट कितने में बेचना चाहिए था। ध्यान से सुनिए, पुराना स्टॉक सेट रखा था भाई चाय का एक दुकान पे, उसने सोचा इसको बेच देता हूँ, बेचा 3420 रुपये में। जब इसने इसको 3420 रुपये में बेचा तो ये वैल्यू 43% कम थी, 43% कम थी जितना का ये सेट था। सेट कितने का होगा, 100% का होगा इसकी वैल्यू। और जब इसको मैं 43% कम पे बेचूंगा तो दोस्तों कितने परसेंट पे बेचूंगा, 57% पे, यानी कि जो 57% है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3420 रुपये के। पूछा जा रहा है अगर इसको 10% लाभ कमाना था, जब भी मैं किसी चीज़ पे लाभ कमाता हूँ तो 100 से उतना ही एक्स्ट्रा कर देता हूँ, तो जितना परसेंट कमाना है, 10% कमाना है तो 110%, यानी कि मेरे को इस वैल्यू को, इस वस्तु को 110% पे बेचना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा 57% की वैल्यू आपकी 3420 है, क्योंकि आपने 57% में बेचा है इसको 3420 रुपये में, तो 57% की वैल्यू 3420 है, तो 110% की वैल्यू क्या होगी, तो 3420 को आप 57 से भाग कर देंगे और यहाँ पे 100 डिवाइड करने के बाद में 1% की वैल्यू 60 आ गई, तो 110% की वैल्यू क्या होगी, 110 × 60 करेंगे तो 6600 रुपये। अगर आपको इसी वस्तु पर, इसी चाय के सेट पर 10% का प्रॉफिट कमाना है तो आपको ये 6600 रुपये में बेचना होगा, ठीक है। 3420 की जगह 6600 में बेचेंगे तो आपका 10% का प्रॉफिट आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से सुनिए। 3 कुर्सी 2 मेज का मूल्य 700 है, 3 कुर्सी मैं लिख लेता हूँ, 3 चेयर और 2 टेबल का मूल्य 700 रुपये है, ठीक है। 5 कुर्सी 3 मेज, 5 चेयर और 3 टेबल का मूल्य 1100 रुपये, ये भी मैंने लिख लिया। 1 कुर्सी 2 मेज का मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है, 1 कुर्सी 2 मेज का मूल्य, ठीक है, निकाल लेंगे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये चीज़ें तो आपको क्वेश्चन में दी गई है, अब यहाँ से आप या तो चेयर, एक चेयर का मूल्य निकाल लीजिए या एक टेबल का मूल्य निकाल लीजिए। अगर मैं चेयर का मूल्य निकालता हूँ तो मेरे को टेबल को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल कैसे करेंगे भाई, देखिए अगर मैं यहाँ पे ऊपर 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना, 3 × 2 = 6 और 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे 6 से 6 कट जाएगा। तो इसको ऐसे ही करेंगे, देखिए अगर मैं यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 की यहाँ भी होगी 3 × 3 = 9, 3 की इसमें भी होगी 6 हो जाएगा और 3 की इधर भी होगी 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई होगी 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 की इसमें भी होगी 10 हो जाएगा और इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई होगी 22 हो जाएगा। अब इनको माइनस कर लेते हैं, अब देखिए 9C और 10C माइनस होंगे तो 1C आ जाएगा, यानी कि 1 चेयर, और ये 60 से 60 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 100। एक चेयर की वैल्यू आपको 100 मिल गई दोस्तों। अगर एक चेयर की वैल्यू आपको 100 मिल गई तो अब इन किसी भी इक्वेशन में से, इन दोनों इक्वेशन में से आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। मैं पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, एक चेयर की वैल्यू मुझे पता चल गई 100 है, तो 3 चेयर की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी, और यहाँ पे 2 चेयर को ये 2T लिखेंगे और ये 700। अगर मैं 700 में से 300 को माइनस कर दूँ तो 2 टेबल की वैल्यू पता चल जाएगी, 700 माइनस 300 तो 2T बराबर आपका 400 आ गया, तो 1T बराबर आपका 200 आ गया। आपसे क्या, देखिए अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको 1 चेयर की वैल्यू पता चल गई और 1 टेबल की वैल्यू पता चल गई। पूछा जा रहा है कि 1 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य बताइए। अगर 1 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य पूछा जा रहा है तो 1 कुर्सी का मूल्य तो 100 रुपये है, तो 100 तो ये हो जाएगा, और 2 टेबल का मूल्य पूछा है तो 1 टेबल का मूल्य आपका कितना है, 200 है, तो 2 टेबल का मूल्य आपका 400 हो जाएगा, 400 ये, तो 100 + 400 कितना हो जाएगा दोस्तों, 500, यानी कि 1 चेयर 2 टेबल आपका कितना हो गया, 500 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, ठीक है, सॉरी, अगर आप उसको करने का पैटर्न थोड़ा भी जानते हैं ना, और उस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ में अगर आपको थोड़ा भी चीज़ ध्यान आ गई आपके एग्जाम में ये सब, तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, मैं 100% गारंटी के साथ में कहता हूँ, अगर आप थोड़ा सा भी इसको टाइम देंगे। और कभी भी एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, कभी भी आपको कोई क्वेश्चन फंस रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कभी भी उसमें टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, निगेटिव मार्किंग है, तो कभी भी ऐसा मत करिए कि किसी भी क्वेश्चन पे लड़ने या झगड़ने बैठ जाओ कि मैं तो इसको ही सोल्व करूँगा। सिलेक्शन उसका होता है जो क्वेश्चन छोड़ के भी आता है,
सिलेक्शन उसका नहीं होता जो सारे सारे क्वेश्चन करके आता है, ठीक है? तो ये अपने माइंड में जरूर रखिएगा दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन ये है आपका, 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है तो 5 पुरुष तथा 20 महिला उस कार्य के आधे भाग को पूरा करने में कितना समय लेंगे? देखिए टोटल वर्क यहाँ से हम सबसे पहले निकाल लेंगे। तो 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। तो देखिए 10 पुरुष यानी कि 10 मैन प्लस 5 वुमेन की मल्टीप्लाई 60 दिन में कर देते हैं तो ये आपका टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है, यदि एक पुरुष 2 महिलाओं के बराबर है, एक मैन आपका 2 वुमेन के बराबर है, आपसे ये भी बोला जा रहा है कि एक मैन 2 वुमेन के बराबर है या फिर 2 वुमेन एक मैन के बराबर है, तो यहाँ पे आप या तो मैन को या वुमेन को कन्वर्ट कर लीजिए किसी भी एक में। अगर मैं यहाँ पे मैन को वुमेन में कन्वर्ट करता हूँ तो एक मैन बराबर 2 वुमेन है, तो यानी कि आपका ये 10 मैन बराबर कितनी, टोटल 20 वुमेन हो जाएंगी, ठीक है? तो यहाँ पे ये सारा का सारा वुमेन में आ जाएगा। तो 20 वुमेन प्लस 5 वुमेन मल्टीप्लाई 60 करूँ तो टोटल वर्क तब भी आपका सेम ही रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे टोटल वर्क मैंने ये ऐसा ही बना लिया, ठीक है? 20 वुमेन प्लस 5 वुमेन तो मल्टीप्लाई 60 टोटल वर्क है। और ये वर्क किससे कराना है आपको? ये कराना है 5 पुरुष और 20 महिलाओं से, यानी कि 5 पुरुषों को भी अगर मैं महिलाओं में बदल लूँ तो कितना हो जाएगा, 5 पुरुष एक पुरुष बराबर आपका 2 महिलाएं हैं तो कितना हो जाएगा, टोटल 10 महिलाएं बन जाएंगी 5 पुरुषों की। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे कितना होगा, 25 वुमेन मल्टीप्लाई 60 टोटल वर्क, और ये वर्क कराना है 10 वुमेन प्लस 20 वुमेन से। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और दी गई है, दो महिलाओं का कार्य कर सकता है, 5 पुरुष तथा 20 महिला उस कार्य के आधे भाग को कितने में करेंगे? तो आधा भाग जब बोला जाए आपको तो यहाँ पे जो नीचे आपसे डिवाइड करें इसमें 2 की ओर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है? अब 2 की आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 × 60 आपने किया और अपॉन में कर लिया 30 वुमेन, और आप ये 30 से 60 जाएगा और 2 से 2 जाएगा, यानी कि 25 दिन लग जाएंगे। तो 25 इज द राइट आंसर। अगर आप इस क्वेश्चन को मैन में बदल के करते तब भी आपका राइट आंसर तब भी सेम ही आता है, यानी कि वुमेन को आप मैन में बदलेंगे, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है इसलिए मैंने वुमेन वाला किया है, ठीक है? तो ये चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई? चलिए अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे सोच रहे होंगे स्टूडेंट कि मैन को वुमेन में क्यों बदला, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने का तरीका ही यही है, ठीक है? तो दिमाग में रखिए जब भी मैन और वुमेन वाला आए तो किसी भी एक को हमें बदलना पड़ेगा ही, यही ट्रिक है भाई, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 20 और 30 से पूरी तरह विभाजित होती है? अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ ये कि सबसे बड़ी संख्या बताइए 3 अंकों की, तो सबसे बड़ी संख्या होगी 999, क्योंकि 999 से बड़ा फिर तो 10,000 आ जाएगा और 10,000 आपकी 4 संख्याओं की हो जाएगी, ठीक है? बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो 15, 20 और 30 से विभाजित भी हो जाए, तो ये भाई थोड़ा सा आ गया मतलब ट्विस्ट कि कैसे करें अब इसको। तो आपको कुछ नहीं करना, 15, 20 और 30 को एलसीएम लीजिए, 15, 20, 30 का एलसीएम लिया कितना आया ये देखिए, एलसीएम लेना बताता हूँ। मान लीजिए इसमें तीनों में बड़ा कौन सा 30 को आप एलसीएम मानिए। अब 30 एलसीएम क्यों नहीं हो सकता, एलसीएम हो सकता 15 और 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा, बट 20 इसे 20 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब इसका डबल कर दीजिए 60 हो गया। अब 60 को देखिए 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, 30 से भी, और ये 20 से भी हो जाएगा, इसका मतलब आपका एलसीएम हो गया 60। अब देखिए 60 इनका एलसीएम आया, अब एलसीएम को आप जो ऑप्शन में दिए होंगे उन्हें डिवाइड करके देखिए, 60 से डिवाइड करके देखेंगे ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 960 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 16 बार, यानी कि 960 इज द राइट आंसर। तो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 960 है जो 15, 20 और 30 से भाग हो जाएगी। क्वेश्चन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनाव वाला क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, जिसमें अवैध वोट भी होती है। देखिए कैसे, 2 उम्मीदवार के बीच हुआ चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी आपको बताना है। देखिए किसी भी इलेक्शन हो कुछ भी हो 100% होता है, टोटल 100% वोट में से 55% एक को मिल रही है तो ऑब्वियसली बात है दूसरे को 45% मिल रही होगी, ठीक है? फिर दूसरी चीज़ है यहाँ पे, 100% में से 20% आपकी वोट इनवैलिड निकल गई, अवैध निकल गई, तो 80% ही वोट आपकी वैलिड होगी। तो 7500 का 80% निकालेंगे तो केवल 6000 वोट आपकी वैलिड है भाई, ठीक है? ये 6000 वोट आपकी
वैलिड वोट है। अब इसमें से बताना है दूसरे कैंडिडेट को वैलिड वोट का कितना प्रतिशत मिला होगा। पहले को तो 55% मिल चुका है, दूसरे को 45 मिला होगा, तो 6000 का 45% निकाल लेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 2700। तो दूसरे कैंडिडेट को 2700 वोट मिली है वैलिड वोटों का। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है साधारण ब्याज पर 4 साल में 4000 रुपये की राशि 4800 रुपये हो जाती है, यदि वार्षिक ब्याज दर 1% ज़्यादा होती तो कुल राशि कितनी हो जाती है, आपको बताना है। देखिए साधारण ब्याज पर 4 साल में 4000 रुपये की राशि 4800 रुपये हो जाती है। देखिए 4000 जो है आपका अमाउंट वो 4800 बन जाता है कितने, 4 साल में। अगर यहाँ पे बोला जाएगा यदि वार्षिक ब्याज 1% ज़्यादा होती, हमें नहीं पता कि कितना इंटरेस्ट रेट होगा, बट हमें पता है कि 4000 रुपये 4800 हो गए 4 साल में, और बोला जा रहा है अगर 1% ज़्यादा कर दिया जाए इंटरेस्ट रेट तो कितने अमाउंट बनता। तो भाई आप सीधा सीधा निकाल लीजिए ना, 4000 का 1% कितना होगा, 40 होगा। अब 40 एक साल में लगा होगा, 4 साल में कितना हो जाएगा 160, तो 4800 में 160 और प्लस कर दीजिए, 4960 हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, तो सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया ना। चलिए फिर, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी, क्योंकि मैं पूरा अच्छे से एफर्ट कर रहा हूँ भाई, अगर आपको समझ में आ रहा है और पसंद भी आ रही है तो लाइक तो सभी का बनता है। ठीक है बॉस, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दो अलग अलग शराब में अल्कोहल की मात्रा क्रम 40% 22% है, उन दोनों को मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया तो उसमें अल्कोहल की मात्रा 28% हो जाती है, यदि पहले प्रकार की शराब में मात्रा 15 लीटर हो तो बताओ दूसरे प्रकार की शराब की कितनी मात्रा मिलाई गई। यहाँ पे इसको हम करेंगे मिक्सचर एलिगेशन के मेथड से, क्योंकि हमें 3 वैल्यू पता चल गई, हमारे पास दो अलग अलग प्रकार की शराब है, पहली प्रकार की शराब में 40% अल्कोहल है, दूसरे प्रकार की शराब में आपका 22% अल्कोहल है, यानी कि 40% और 22% को आपने अलग अलग लिखा, दोनों को अगर एक जगह मिला दूं तो जो अल्कोहल की प्रतिशत है वो 28% है, यानी कि एवरेज जो अल्कोहल है वो 28% है, उसको हम बीच में रख लेंगे। अब यहाँ से रेशो बनाएंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे 12 आ गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे 6 आ गया, यानी कि 6 और 12 आ गया, रेशो आपका बन गया 1:2 का, 6 × 6 = 12। 1:2 का रेशो का मतलब क्या है कि इसमें जो क्वांटिटी है ए वाली शराब की वो 1:1 है और दूसरे वाली शराब की जो क्वांटिटी है वो 2:1 है। आपको पता है पहले वाली जो प्रकार की जो शराब है वो 15 लीटर है, तो आपको पहले वाली शराब का रेशो भी तो पता है ना, तो 1:1 है। अगर आपको पता है 15 लीटर है, इसका मतलब 1:1 के बराबर आपका 15 लीटर हो गया, तो आपको 2:1 की वैल्यू बतानी है, तो 15 को 1 से भाग कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 1:1 की वैल्यू 1:1 की वैल्यू 15 लीटर है, 15 × 2 किया तो 30 लीटर आ गए, यानी कि दूसरे वाली जो शराब है आपकी 30 लीटर है। ठीक है भाई, ये आपसे पूछा गया था। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। इसमें बोला जा रहा है वह अनुपात जिसमें 192 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय 150 रुपये किलोग्राम मूल्य वाली चाय के साथ मिलाकर मिश्रित चाय को 194.40 रुपये किलोग्राम के भाव से बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वह किस रेशो में मिलाई गई थी, आपको बताना है। दोस्तों बस एक छोटा सा पॉइंट समझिए, जब भी आपको मिक्सचर एलिगेशन के इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉफिट की बात कर दी जाए, और जितना प्रॉफिट की बात की जाए तो जो मिश्रण पे मिलाने के बाद में प्रॉफिट कमाया जाता है उसको प्रॉफिट को हटा देते हैं, यानी कि अगर 194.40 को मैं बेचता हूँ तो मेरे को 20% प्रॉफिट होता है, तो आपको क्या करना है 194.40 को आपको 120 से भाग करना है, क्योंकि ये प्रॉफिट हम माइनस करेंगे और इसे 100% की वैल्यू बना लीजिए, क्योंकि ये भी 100% है, ये भी 100%, तो ये भी 100% होना चाहिए। जब आप इसको 100% की वैल्यू बनाएंगे तो 162 आ जाएगी, 194.40 की जगह 162 आ जाएगा। अब आपको 162 को यहाँ पर रखना है, दोनों का डिफरेंस निकाले 30, इसका भी डिफरेंस निकाले 12, तो यहाँ पे आपका आ गया 3×4 = 12, और 3 से कट करेंगे 30 को 10 बार, तो 4 और 10 आ गया, 2×2 = 4 और 2×5 = 10, तो 2 और 5 का रेशो आ गया, यानी कि हम दो अलग अलग जो चाय हैं इनको 2:5 के रेशो में मिलाएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा 20% इस प्राइस पे बेचने पर। ठीक है भाई, चलिए फिर चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, NTPC में भी और भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, और बहुत आसान है, और दो तरीके से आता है, दोनों ही तरीके बताऊंगा। यहाँ पे बोला जा रहा है 1200 सॉरी 12000 सॉरी 1000
सॉरी 1265 ही तो यार, 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्ण विभाजित हो जाए। देखिए जब 1265 में से घटाने की बात की जा रही है और बात की जा रही है 29 से पूर्ण विभाजित हो जाए, तो आप इसको 29 से भाग कर दीजिए सबसे पहले। तो 29 से जब आप भाग करेंगे तो 29 चौका 116, तो यहाँ पे 116 आ जाएगा, 126 में 116 जाएंगे तो 10 बच जाएगा, यहाँ पे फिर 5 उतार लेंगे, फिर आप 29 तिया आपका 87 हो जाएगा, 87 माइनस करेंगे 105 में से तो 18 बचेगा। दोस्तों आप मुझे ये बताइए, अगर 1265 में या 18 में माइनस कर देता तो यहाँ पे क्या बचता, 0। अगर ये 0 बचता तो ये पूर्ण विभाजित हो जाता, अगर नीचे शेष नहीं बचता है तो उसको बोलते हैं उस संख्या से वो पूर्ण विभाजित हो गया। अगर नीचे शेष बच रहा है तो इसका मतलब ये 29 से पूर्ण विभाजित नहीं हो पा रहा है। तो किसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, इस 18 शेष की वजह से। तो इसे 1265 में से घटा के माइनस करो ना, 0 फिर बचेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1265 में से अगर 18 को मैं माइनस कर दूं तो आपका ये पूर्ण विभाजित हो जाएगा 29 से, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक प्लस वाला होता है जिसमें यह बोला गया है उस न्यूनतम संख्या के बारे में बताए जिसे 8961 में जोड़े जाने पर 84 से पूरी तरह से विभाजित किया जाए। तो इसको भी 84 से भाग करिए, 84 कम 84 यहाँ पे आ जाएगा, नीचे उतारा बचेगा 5, फिर आपका 6 उतारा नहीं चला तो 0 लगाई, फिर यहाँ पे उतार लिया 1, तो 561 आ गया, 84 छंग 504, तो यहाँ पे 504 इसमें से माइनस करेंगे दोस्तों कितना आ गया, 57। अगर आप मुझे ये बताइए अगर 57 84 से कितना कम है, 27, अगर मैं इसमें 57 में 27 प्लस कर दूं तो 84 बन जाएगा, ठीक है। तो 84 अगर ये बन जाता तो नीचे क्या रिमाइंडर बचता, 0, तो उसमें उतना ही प्लस करना है जितने की कमी पड़ रही है 84 को बनाने में। तो यहाँ पे अब की बार प्लस कर देंगे, तो इसमें अगर 27 में प्लस कर दूँ तो ये भी पूरा पूर्ण विभाजित बन जाएगा। तो 8961 में 27 प्लस करने पर ये 84 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा, नीचे 0 बच जाएगा रिमाइंडर, तो आपका 27 राइट आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, नाव धारा के अनुकूल, यहाँ पे बोला जा रहा है एक नाव धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर दूरी 10 मिनट में तय करती है तथा धारा के विपरीत 1 किलोमीटर दूरी 20 मिनट में तय करती है, शांत जल में नाव का वेग कितना है, ये आपको बताना है। देखिए अनुकूल और आप विपरीत का मतलब समझिए सबसे पहले। तो अनुकूल जब भी बोला जाता है यानी कि नाव जो है वो धारा की दिशा में जा रही है, इसमें सारा खेल ही यही है कि किस दिशा में जा रही है। जब भी धारा की दिशा में जाती है नाव, ठीक है, अगर धारा इस दिशा की है तो नाव भी उसी दिशा में जा रही है, तो उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, ठीक है, धारा की दिशा में नाव का वेग, तो उसे बोलते हैं डाउनस्ट्रीम दोस्तों। और डाउनस्ट्रीम की चाल को कैसे निकालते हैं, भाई 1 किलोमीटर को ये 10 मिनट में तय कर रही है, तो 1 किलोमीटर को 10 मिनट में तय करने का मतलब मिनट को हम घंटे में बदल लेंगे, कैसे, 10 को 60 से भाग करके। तो इसको एक को आप 10/60 से भाग कर दीजिए तो ऊपर 60 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो नाव की चाल है वो डाउनस्ट्रीम में, यानी कि डाउनस्ट्रीम की जो चाल है वो है आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अपस्ट्रीम दूसरी तरफ बोला जाए धारा के विपरीत 1 किलोमीटर 20 मिनट में तय होता है, तो यहाँ पे अपस्ट्रीम में चाल कितनी आ जाएगी, एक को भाग करेंगे 20/60 से। ठीक है, आप 10/60 20/60 में क्यों कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो सकता है, कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पे मिनट में दिया गया है, मिनट किसी के साथ में नहीं आता, किलोमीटर के साथ में घंटा आता है और आपका मीटर के साथ में सेकंड आती है। अगर यहाँ पे मिनट दिया गया तो मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा, मिनट को घंटे में कैसे बदला जाएगा, उसको 60 से भाग करके। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको 60 से भाग कर रहा हूँ, तो 1 को डिवाइड करेंगे 20/60 से, 60 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आपका 20 से कट जाएगा 3 बार, यानी कि अप स्ट्रीम में धारा के विपरीत, यानी कि अगर धारा इस दिशा में है तो नाव इस दिशा में जा रही होगी, धारा के विपरीत चाल कितना है अप स्ट्रीम में, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि शांत जल में नाव का वेग कितना होगा, शांत जल में नाव का वेग निकालने के लिए दोनों को प्लस करते हैं, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्स मैंने लिखा है नाव का वेग, ठीक है, शांत जल में, तो डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम को प्लस करेंगे 6 और 3 9, और 2 से भाग कर देंगे तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा शांत जल में नाव का वेग, यही आपसे पूछा गया था दोस्तों, ठीक है भाई। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय तक एक नियत समय पर जाता है, यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 7 मिनट देरी से विद्यालय पहुंचता है, परंतु यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो नियत समय से 5 मिनट पहले विद्यालय पहुंच जाता है, तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको कई बार करा चुका हूं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे मैंने लिखा है एक शॉर्ट ट्रिक डिस्टेंस निकालने के लिए, डेल्टा टी मल्टीप्लाई स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड 2 अपॉन में स्पीड 1 और स्पीड 2 का डिफरेंस। पहले तो आप इसको ही समझ लीजिए क्योंकि बहुत आसान है, याद रहेंगे, भूलेंगे नहीं। डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन टाइम, वो मैं अभी बताऊंगा।
यहाँ पे देखिए S1 और S2 की एक बार तो मल्टीप्लाई करनी है, स्पीड वन और स्पीड टू की। स्पीड वन कौन सी है, जब वो पहले अपने घर से विद्यालय जाता था 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और फिर दूसरी बार वो उसने अपनी स्पीड बढ़ा के 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी थी। ये हो जाएगा आपका स्पीड वन और स्पीड टू। और एक बार तो इनको मल्टीप्लाई करनी है, एक बार इन दोनों का डिफरेंस लेना है, माइनस नहीं करना, डिफरेंस लेना है, जो भी इनका डिफरेंस होगा वो नीचे डिवाइड कर देना। अब डेल्टा टी सीखते हैं। डेल्टा टी होता है चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम कैसे निकलता है, तीन कंडीशन हो सकती है। अगर वो पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था और वो 7 मिनट देरी से विद्यालय पहुंचता था, फिर उसने 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना स्टार्ट किया और वो 5 मिनट पहले विद्यालय पहुंचता है, तो जब भी लेट और अर्ली, यानी कि एक बार जल्दी पहुंच जाता है और एक बार पहले, यानी कि एक बार लेट पहुंचता था और एक फिर जल्दी पहुंच जाता है, तो दोनों को प्लस करेंगे। अगर दोनों साइड में वो लेट होता है तब भी माइनस होगा, और अगर दोनों साइड में वो जल्दी पहुंच जाता है तब भी माइनस होगा। हमेशा क्वेश्चन आपका यही पूछा जाता है, लेट और अर्ली वाला, यानी कि एक साइड से तो वो देरी से पहुंचता था और दूसरी साइड से वो जल्दी पहुंच जाता है। तो इसी क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, चेंज इन टाइम 7 मिनट से देरी से पहुंचता था, फिर 5 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं, दोनों को प्लस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन टाइम निकालने के लिए जब भी लेट और अर्ली होता है दोनों को प्लस करते हैं। तो 12 आ जाएगा। पहले वाली चाल थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे वाली चाल थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा अपॉन में। अब फिर 12 मिनट आइए दोस्तों, मिनट को बदलने के लिए घंटे में आप 60 से भाग करेंगे, तो इसलिए मैंने 12/60 यहाँ पे लिखा है। अपॉन में 5 और डिफरेंस आपका 6 आ जाएगा, यानी कि 1 इनका डिफरेंस होगा, तो नीचे तो आपको कुछ नहीं बचेगा, 1 का तो मल्टीप्लाई किससे भी होगा तो वही सेम हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 6 × 5 = 30, 12 × 5 = 60। यहाँ पे नीचे बचा आपका 5, ऊपर कितना बच गया 30, तो 5 से 30 जाएगा 6, यानी कि 6 किलोमीटर दूरी है उस विद्यार्थी के घर से विद्यालय की, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। डिस्टेंस इज द 6 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 25 किलोग्राम है, यदि कक्षा अध्यापक का भार भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक का भार कितना किलोग्राम का होगा? दो तरीके से इस क्वेश्चन को करा जा सकता है, लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड। 30 छात्रों का योग आप सबसे पहले निकालिए कि 30 छात्रों की जो आयु का योग है वो कितना है, सॉरी किलोग्राम कितना है वेट उनका। 30 छात्रों का 25 किलोग्राम औसत है, तो यानी कि टोटल इनका जो वेट है वो 750 किलोग्राम होगा। फिर एक अध्यापक आ जाते हैं, यानी कि छात्र कितना हो गया, अध्यापक को मिला के अध्यापक और छात्र 31 हो गए। अब जो औसत है वो बढ़ गया आपका कितने से, ठीक है, अध्यापक बार इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है तो औसत बार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपका जो औसत बार है वो 2 किलोग्राम बढ़ जाता है दोस्तों, यानी कि पहले 25 किलोग्राम था अभी 27 किलोग्राम हो जाएगा। अभी टोटल कितने हैं, 31 है, औसत भार इनका 27 हो गया, 2 किलोग्राम बढ़ गया, तो अब इनका भार कितना होगा, 837, टोटल भार इनका 837 हो गया। दोस्तों 750 से 837 के बीच का डिफरेंस 87 है, यानी कि उस अध्यापक का जो भार है ये इसी का इंक्रीमेंट है 87 किलोग्राम, तो 87 किलोग्राम हो जाएगा। दोस्तों ये तो हो गया एक आपका लॉन्ग मेथड। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से समझिए, पहले आपका ये बताइए 25 किलोग्राम का एक अगर जो अध्यापक होता 25 किलोग्राम का ही होता वो आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे फर्क पड़ा है, जो आपका एवरेज वेट है वो इंक्रीज हुआ है 2 किलोग्राम से। जब एवरेज वेट इंक्रीज होता है तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का एवरेज वेट इंक्रीज हुआ होगा। सभी का एवरेज वेट इंक्रीज होने का मतलब है दोस्तों 31 × 2 कर लेंगे, यानी कि सभी का 2-2 किलोग्राम बढ़ा होगा, तो कितना टोटल इंक्रीज होगा, 62 किलोग्राम वो एक्स्ट्रा लेकर आया है 25 किलोग्राम से, तो 25 + 62 = 87 किलोग्राम। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो आप इसे ही फॉलो करिएगा, इससे ही कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम है, अभी कोई नई चीज़ सीखने का समय नहीं है। दोस्तों आज के इस वीडियो में यही सब क्वेश्चन थे, मैं आशा करता हूँ कि जितने स्टूडेंट ने भी इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा एंड तक, वो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, अपना जो भी व्यू है वो बताएंगे, वीडियो कैसी लगी वो भी बताएंगे। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, खुद भी, अपने दोस्तों से भी बोलिए, अपने फ्रेंड से, भाई से भी बोलिए, वो भी सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी ऑन करेंगे, ठीक है। फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टॉपिक स्टडी को, और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की मैं और भी वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताइए, मैं आपको और भी ऐसी वीडियो बना के दे सकता हूँ। टेलीग्राम से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जाके टॉपिक स्टडी सर्च करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं Sourabh Malik 17 के और Sourabh Malik सर्च करके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।